भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर वैशाली नगर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जयप्रकाश यादव ने अपने सघन जनसंपर्क अभियान के माध्यम से भाजपा के प्रत्याशी की नींदें उड़ाकर रख दी है। अपने जनसंपर्क के दौरान जेपी यादव अलमारी चुनाव चिन्ह पर मतदाताओं से वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा को काफी नुकसान भी हो रहा है। वहीं भाजपा के ही कई असंतुष्ट पदाधिकारी व वरिष्ठ कार्यकर्ता भी जेपी यादव को कहीं न कहीं खुलकर तो कहीं गुप्त रूप से समर्थन दे ही रहे हैं। जेपी यादव को उनके सरल व मृदुभाषी होने का भी लाभ मिल रहा है। तो जो प्रशांत है उसके बाद क्या हुआ, प्रशांत अपना जड़ जमाते चला गया। फिर क्या हुआ कि ना ये अपना जड़ जमाते चला गया प्रशांत। प्रशांत अभी 10 साल से उसके साथ है। पूरा काम ए टू जेड अभी ऐसा धमाका किए नहीं लोग, भैया को बताऊंगा ना तो पैर तले जमीन खसक जाएगा। तालपुर में 1 एकड़ जमीन ले ली है। हाँ अब ले ली, अब छोड़ो, मतलब उसका पर्सन उसने ये बताया कि मैं महिलाओं के लिए उत्थान के लिए काम करूंगी। ESP से नहीं, हाउसिंग बोर्ड से ले ली 1 एकड़, ठीक है ना। हाउसिंग बोर्ड में क्या मेरा भी जड़ है, बहुत 3 जगह बहुत काम किया हूँ, 2 जगह, एक हाउसिंग बोर्ड एक DIC, दो में बहुत काम किया हूँ, अफवाह काम किया हूँ। मैं तो जो मकान आज के डेट में 43 लाख का है ना, मैं 8 लाख में लिया हूँ। अभी गाड़ी में लिस्ट पड़ा हुआ है, अभी एक मकान जो 70 लाख का है मैं 45 लाख में लिया हूँ। मैंने भी ये कहा अब मैं ढसन दिखाऊ कमाओ बाहर से। तो जो प्रशांत है ना, प्रशांत का मैं डायरेक्ट ना प्रसाद से हूँ ना किसी से हूँ, मैं आपको दम फेंक पा दूँ कि आप कल जो सवाल पूछे ना काम नहीं होगा क्या, बिल्कुल वो सलाबाद हो चुका। मैं बोला आपको कम से कम फेयर बता दूँ, क्योंकि क्या है मैं ठीक है मैडम से मेरी बातचीत नहीं है, मेरी राकेश से बातचीत नहीं है, लेकिन जो मेन काम की जितने बंदे हैं उस, जैसे आपका संबंध खत्म हो गया मान लो पांडे जी से, लेकिन मामा से रहेगा, आपका संजय से संबंध रहेगा, आपका उसके ड्राइवर छोटू से रहेगा, तो आज मेरे संबंध उस बंगले में बने हुए हैं, ठीक है। उतना मैं मैनेज भी करता हूँ उन लोगों को, चाहे दारू देने की बात हो, चाहे मोबाइल देने की बात हो। ये छगन मुद्रा, गौरी शंकर अग्रवाल, 3-4 लोग हैं जो उससे बिजनेस टर्म्स में जुड़े हुए हैं, CM से लोग करते हैं। वैसे ये 3 लोग जुड़े हुए हैं, ये 3 ही आदमी है कि भैया इतना पैसा दे रहा है वो, अच्छा ठीक है उतना ले लो उतना दे दो, उस टाइप का बिना भाभी से उससे दोनों से बिलिंग सरकारी हो या ट्रांसफर का हो या कुछ भी हो। और अरुण जेटली को पैसा पहुंचाना ये 3 लोग करेंगे, अमित शाह को पेमेंट देना ये 3 लोग करेंगे, अगर वो होगा तो हर चीज में 3 लोग करते हैं ना। गौरी शंकर अग्रवाल इसीलिए उसको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, पूरा फाइनेंशियल वही करता है, पूरा सारी चीजों का हवाला हवाला से लेकर सब चीज। तो वैसे ही क्या है, मैं ना एक पोस्टिंग निकला, मैं मैडम जो है ना हर चीज में फेल है लेकिन BSP के मामले में सफल है, वो मैं अपने आंखों से देखा। मैं ससुराल पक्ष का था, वो कोको क्या कोको डिपार्टमेंट कोको वन का डिपार्टमेंट का वो था, DGM लेवल का अधिकारी था, उसका ट्रांसफर हो गया। हमारे जो नेतागण हैं उनकी छवि को धूमिल करने का यह रिकेश सेन के द्वारा प्रयास किया गया है। संभवतः यह वीडियो उस समय का है जब वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और इस प्रकार की भावनाएं उनकी थी हमारे नेताओं के प्रति। इस बात से भाजपा के सभी कार्यकर्ता आहत हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हुई है। असली भाजपा अलमारी चुनाव चिन्ह के साथ खड़ी है। इस बार अलमारी 13 नंबर पर बटन दबेगा तो ही कमल ही खिलेगा। इस बार चर्चा यह हो रही है कि कांग्रेस में मुकेश चंद्राकर जी हों या भाजपा के प्रत्याशी रिकेश सेन जी हों, इनमें से कोई भी अगर जीतेगा तो जीतेगी वैशाली नगर में कांग्रेस ही। रिकेश जीते या मुकेश जीते, कांग्रेस ही जीतेगी। असली भाजपा अलमारी चुनाव चिन्ह के साथ खड़ी है और यह जो वीडियो आया है, इस वीडियो से हमारी पार्टी की छवि धूमिल हुई है और भाजपा को बचाने की जो मेरी मुहिम है उस मुहिम में मुझे आज प्रेस के माध्यम से अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस हुई। क्योंकि मैंने जैसा कि पहले ही कहा था कि यदि यह व्यक्ति जीत कर आता है तो भाजपा का अस्तित्व समाप्त करेगा, उसकी शुरुआत इसके टिकट मिलने के बाद से ही हो चुकी है और यह वीडियो इस बात को प्रमाणित करता है कि भाजपा को समाप्त करने वाला यह व्यक्ति है। इसीलिए मैं आम जनता से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से, उन कार्यकर्ताओं से जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कमल खिलाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कह रहे हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, खून पसीना लगाते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं से भी मैं आह्वान करता हूं। ऐसे वीडियो आने के बाद, ऐसे वीडियो आने के बाद खड़ी है जिस तरह से, क्या अब जिन्होंने टिकट दिया है रिकेश से उन्हें पश्चाताप हो रहा होगा, विचार कर रहे हैं कि क्या ऐसे प्रत्याशियों को मैदान। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे के नाम से जानी जाती है। त्रेता में जैसे
सीता माता का साधु के भेष में आकर रावण ने हरण किया था, वैसे ही रिकेश सेन एक साधु बनकर भाजपा के पास गया और कमल का हरण कर ले आया है और असली भाजपा अलमारी चुनाव चिन्ह से खड़ी है। आहत हो रही है जनता, आहत हो रहे हैं नेता, आहत हो रहे हैं कार्यकर्ता। ठीक ठीक।